तो भाई ये LG का इन्वर्टर AC जो कि 5-star रेटिंग के साथ आता है, और भाई ये मेरे को पड़ा है 38,000 रुपये का विदाउट डिस्काउंट, ठीक है। कोई कैशबैक नहीं है HDFC वगैरह पे या किसी भी बैंक के क्रेडिट या डेबिट कार्ड पे, तो 38,000 का मेरे को पड़ा है। तो आप इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग, बाकी जो डिटेल्स एंड फीचर्स हैं मैं आपको बता दूंगा बाद में कि क्या क्या है इसमें, कैसा ऑपरेटिंग करता है और कितनी ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, ठीक है भाई। 4-star में आता है तो वो 33K समथिंग आ जाता है, तो 4 से 5,000 महंगा है 4-star से। तो चलिए अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। देखिए ये इसकी 5-star रेटिंग जो इसमें आती है, ये अपना डिटेल्स है, मॉडल नंबर वगैरह, ठीक है। ये कुछ पैकेजिंग में बढ़िया पैकेजिंग के साथ आता है, ये आपको डिटेल्स दिखा देता हूँ। देख लीजिए ये कुछ ये भाई इसका रिमोट है, ठीक है। ये इसके रिमोट है जो आता है, काफ़ी बड़ा और बढ़िया रिमोट दिखने में। इसको रखते हैं साइड में। इसके साथ ये मिलता है, ये 4 नट हैं इसमें, ठीक है। ये कैप है जो कि पानी जो निकलता है इसी से, वो उसकी ये अपना फ्रेम है। ये देखिए ये इसका फ्रेम है फ्रंट का, ठीक है। ये भाई फ्रेम है इसका, ये देखिए ये फ्रेम है, ड्यूल इन्वर्टर AC लिखा हुआ है पीछे से, कुछ इस तरह का है, ठीक है। इसको रखते हैं साइड में। ये इसके साथ आती है फोमिंग, ये कुछ स्क्रूज है, ठीक है। ये फोमिंग है, ये भाई जहाँ लगेगी मैं आपको दिखा दूंगा। ये है भाई अपनी मैन यूनिट AC की, ठीक है। ये कुछ इस तरह का दिखता है, यहाँ थोड़ा अंधेरा हो गया होगा क्योंकि रोशनी का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, तो ठीक है। ये देख लीजिए AC अच्छी पैकेजिंग के साथ आया भाई, कोई दिक्कत नहीं लग रही, ठीक है। ये इसकी तो भाई देखो अंदर से कुछ इस तरह की लुक है इस AC की, कंप्रेसर। तो भाई ये ब्लैक ओशन कोटिंग जो LG कह के देता है, ठीक है, कि भाई ब्लैक ओशन कोटिंग है इसमें, ठीक है। कुछ इस तरह का मैं आपको साइड से दिखा देता हूँ। देखो ये भाई इसकी पाइपिंग देखिए, जो अपने ट्रेडिशनल AC है वो भी दिखा दूंगा कि कैसे होते हैं। इसमें देखिए पाइपिंग कितनी बढ़िया से, मतलब LG ने कुछ हटके ही काम करा है। ये इसका ऊपर का हिस्सा है और मैं आपको दिखा देता हूँ इसका, देखो कंप्रेसर देखो, ये देखो मतलब पैक है भाई, मतलब बहुत बढ़िया LG ने काम करा है इसमें। देखो आपको इसके अंदर देखो कवर के अंदर मिलेगा आपको कंप्रेसर, देखो ठीक है। ये आपका जो इन्वर्टर है वो सेटअप, जो ड्यूल इन्वर्टर इन्वर्टर कहते हैं ना, देखो ये रहा। तो मतलब बहुत बढ़िया काम करा LG ने इस AC में, ये देखिए ठीक है। ये आपका सप्लाई यूनिट, ये इसकी सप्लाई यूनिट है, ये आपका देखो सही है। बाकी मैं आपको
तो भाई ऐसी फिट होने के बाद कुछ इस तरह की लुक आ रही है इसकी। ठीक है, ये देख लीजिए, ये दो तार इग्नोर करो भाई, क्योंकि ये लाइट नीचे से लेके आ रखा हूँ, क्योंकि लोड ज़्यादा पड़ता तो अंदर की फिटिंग ना जल जाए, इसलिए मैं डायरेक्ट लेके आया हूँ। ठीक है, और ये मैंने यूज़ करा स्टेबलाइज़र वी गार्ड का है। ठीक है, बाकी आपको स्टेबलाइज़र की ज़रूरत है नहीं इस वाले एसी में, फिर भी यार मेरे यहाँ ना फ्लक्चुएशन ज़्यादा रहती है लाइट की, तो गाँव का एरिया है तो इसलिए मैंने स्टेबलाइज़र यूज़ किया है। और ये है भाई अपना एसी, तो मैं अब कर देता हूँ ऑन। ये आपका पावर बटन है, ठीक है, दबाते ही देखो बिल्कुल अभी तक मतलब फैन स्टार्ट नहीं हुआ है, कोई हवा नहीं आ रही, अब हवा नहीं शुरू हुई है। ठीक है, हल्की हल्की, आपको बिल्कुल भी नॉइज़ में पता नहीं लग रही होगी कि फैन स्टार्ट भी हुआ है नहीं। अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो है हवा बढ़ेगी और साउंड भी करेगा। तो भाई ये एसी अपना बिल्कुल ऑन हो गया है, आपको आवाज़ आनी शुरू भी हो गई भाई। जैसे कहते हैं कि बिल्कुल साइलेंट है, तो ऐसा तो मेरे को देखो कुछ ऐसा फील नहीं हुआ कि बिल्कुल ही नॉइज़ ना हो एसी में। फ़ैन की आवाज़ आ रही है, बिल्कुल आ रही है, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही नॉइज़ नहीं आएगी, पता लगेगा कि हाँ भाई चल रहा है एसी। ठीक है, डस्ट क्लीनिंग के लिए, ठीक है, आपका फिल्टर क्लीनिंग के लिए ये है। अभी इसको बंद कर देता हूँ ताकि आपको आवाज़ ना आए ज़्यादा, देखो बंद होने के बाद भी आपको पता नहीं लगे, देखो बंद हो गया। ये क्लीन फिल्टर के लिए है आपका, जब जो ये है जाली गंदी हो जाती है तो आपको पता लग जाएगा, ये इस पर लाइट जल जाएगी। ये कूलिंग है, आप 4-in-1 मोड पे भी इसको चला सकते हो, खाली फैन, ड्राई, टाइमर और वाईफाई। वाईफाई का तो भाई मेरे को लगता है नहीं कोई यूज़ करता होगा, ज़्यादा नीड भी नहीं होती। ठीक है, तो अब मैं दोबारा से ऑन कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको टेम्परेचर को सेट कर देता हूँ 26 पे। देखो भाई मैं रेगुलरली आपको बता दूँ कि मैं इतना ही चलाता हूँ, 25, 26, 27, 28 तक रखता हूँ, क्योंकि ज़्यादा ठंडे की मेरे को ज़रूरत होती नहीं है। और ज़्यादा भाई शिमला बनाने का फ़ायदा भी क्या, फिर आपकी हेल्थ पे इम्पेक्ट पड़ेगा, बाहर निकलोगे उसमें। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको नॉर्मली रखता हूँ। तो भाई मेरे हिसाब से बेस्ट एसी है, आपकी लाइट डिम भी रहती होगी, कई बार इलेक्ट्रिसिटी जाती आती रहती है, लाइट डिम होती है, तो उसमें भी ये प्रॉपर बढ़िया से काम करता है। जैसे मेरा जो पुराना वाला एसी था वो इतना अच्छे से काम नहीं कर पाता था, तो ये देख लीजिए। ठीक है, ये है अपना एसी सेट होने के बाद, और भाई बढ़िया है, आप बिल्कुल इसको कंसीडर कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। और मैं आपको दूसरा एसी दिखा देता हूँ अपना, ये देख लीजिए, ये है वोल्टास का, ये वोल्टास का कह रहा हूँ वीडियो, और ये इसकी दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए, ये मेरा पुराना एसी है जो मैंने लगा रखा था, उसको हटा दिया है, इसको भी लगभग 2.5-3 साल हुए हैं, पर भाई ये लाइट डिम होती है, फ्लक्चुएशन होती है, तो बिल्कुल भी नहीं चलता। ठीक है, ये ना ठंडा करता है, ये लाइट फुल होती है या ऐसी जगह जब बिल्कुल ही लाइट फुल रहती है वहाँ ये प्रॉपर अच्छे से काम करते हैं। यहाँ जब से मैंने लगाया है मुश्किल से भी इसने हवा नहीं दी, कभी भी सेटिस्फाई नहीं करा कि हाँ भाई आज तो इसने अच्छे से काम किया है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये अभी लोलोड वगैरह इन कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है अपने प्रोडक्ट्स में। ये मैंने 24,000 रुपया ख़रीदा था, तो बिल्कुल ही वेस्ट गए मेरे पैसे 24 के 24,000 रुपये। इसीलिए फिर मैंने अपना चेंज करके वो LG वाला ख़रीदा है, तो मैंने इसीलिए अभी ये LG वाला ख़रीदा है। ठीक है, और ये बढ़िया अच्छे से काम कर रहा है भाई, बढ़िया एसी है। अभी तक तो मैंने इसको यूज़ कराया 3 दिन हो गए हैं यूज़ करते, और मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। देखो ये इसका फिल्टर, ठीक है, इसका सेंसर है, इजीली आप यहाँ से निकालो, बिल्कुल मतलब भाई बहुत ही इजी टू यूज़ है, आपके घर में लगा भी अच्छा लगता है ये, और अलग ही तरह का है मतलब। ठीक है भाई, तो इतनी ही ये वीडियो, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, और भाई इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू मैं 1 महीने बाद फिर दे दूंगा। लॉन्ग टर्म तो क्या होगा, वो 1 महीने बाद मैं रिव्यू फिर दे दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।